गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। आज मेरी पिनिंग आई हुई दिखाने के लिए वीडियो बनाई मैंने, अब जो सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरा अपना कंपोस्ट था, पहला कंपोस्ट जो मैंने बनाया था, तो काफ़ी अच्छी पिनिंग आई हुई है बैग्स में पीछे तक। इसको आज 35 दिन हो गए हैं कंपोस्ट को रखे हुए, 35 डेज हो चुके हैं, तो ये ठीक पिनिंग आई हुई है बैग्स के अंदर। ये देखिए बैग भर के, इसमें फ्रेश एयर का पूछते रहते हैं जो वीडियोस में, जैसे कमेंट्स वगैरह में, तो फ्रेश एयर का इसमें जितना मुझे ज्ञान हुआ है वो यही है कि रूम की कंडीशन के हिसाब से फ्रेश एयर हमारी लगती है इसमें। वो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, जो लड़का है ज़्यादातर वही जैसे रात को अपने हिसाब से, दिन में वो उस हिसाब से जो है फ्रेश एयर लगाता है। बाकी फ्रेश एयर अगर आपके पास CO2 मीटर है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि फ्रेश एयर जो है वो हमारी CO2 के हिसाब से लगती है। इस टाइम में हमें जब 800 से 1000 PPM चाहिए, आप फ्रेश एयर ज़्यादा देते हैं उतनी मेंटेन करने के लिए हमें, तो ये पिनिंग वगैरह तो ठीक आई हुई है बैग्स के अंदर। ये देखिए कुछ पिनिंग्स थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, मुझे डर लग रहा था कि कभी ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, कई बार ज़्यादा फ्रेश एयर लगने से हो जाती हैं, तो ये मैंने कुछ कवरिंग करवाई है। कवरिंग के बाद ये है, कुछ कवरिंग हो गई है, तो ये कवरिंग के बाद की है। अब ये देखिए बैग्स में 35 दिन हो गए हैं इसको, अब ये फर्स्ट फ्लश आने वाली है मेरी, तो खाद का मुझे रिस्पांस ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने खुद ही बनाया था खाद अब की बारी, तो अब ये आ जाएगा। मैं भी 3-4 दिन में या इस वीकेंड पे जो है हमारे पास फ्लश रह सकती है, देखो होप सो। तो फ्रेश एयर के लिए जैसे मैं बता रही थी, फ्रेश एयर के लिए मुझे भी इतना नहीं, मैं ऐसे बता सकती कि सुबह 30% खोल दो, शाम को 50% या फुल, ऐसे ही कोई भी मेरे ख्याल से नहीं बता पाएगा। मैं भी किसी से पूछती हूँ तो वो भी ऐसे नहीं बता पाते हैं कि अभी इतनी और रूम की कंडीशन और आपकी पिनिंग और मशरूम के हिसाब से हैं कि कैसी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप फ्रेश एयर कम ज़्यादा करते हो, तो उसके लिए तो मैं अभी इतना नहीं बता पाऊँगी जो फ्रेश एयर के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, पिनिंग की किसी ने कहा था पिनिंग की वीडियो डालें, तो पिनिंग की ये जो है पिनिंग ठीक आई हुई है, और जिनको कंपोस्ट दिया हुआ है उनसे भी कल बात हुई थी हितेश से, तो वो भी कह रहा था उसका भी ठीक चला हुआ है, तो देखो ठीक ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे पहली बारी बना रहे थे थोड़ा डाउट था, लेकिन रूम की कंडीशन देख के ठीक लग रहा है। ऊपर वाले जो रैक हैं ऊपर, इससे भी ज़्यादा पिनिंग है, अभी मैं ऊपर गई नहीं हूँ, तो लड़का बता रहा था मैडम ऊपर तो इनसे भी ज़्यादा पिनिंग है बैग्स के अंदर, काफ़ी ठीक है रिज़ल्ट। तो जो रहता है मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी, फिर भी अगर आपको कोई इसमें सजेशन हो, कहीं कुछ लग रहा हो तो आप बता सकते हो रूम की कंडीशन देख के, और कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है और आप वीडियो देखते हैं तो। थैंक यू।